एप्पल के लोगो में खाए हुए सेब को क्यों दिखाया गया? मतलब पूरा एप्पल भी दिखा सकते थे यार, लेकिन वो कटा हुआ क्यों दिखाया? और क्या आप जानते हैं फरारी के लोगो में घोड़ों को टांग उठाकर क्यों दिखाया गया है? और भी तरीके से दिखा सकते थे। स्टारबक्स कॉफी शॉप के लोगो में अचानक ही महिला के बाल कैसे खड़े हो गए? इन सब के पीछे देखिए बहुत ही रोचक कहानी है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं ह्यूंडई के साथ। 200 सेंट्रो कार पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा चुकी है, ये बात बिल्कुल सच है। एक समय था जब इस देश में हर मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद सेंट्रो कार हुआ करती थी। ह्यूंडई कंपनी को ये पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश करने में सफल हो गई। लेकिन आज हम प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के लोगो के बारे में। क्या आपने गौर किया है इस ह्यूंडई कंपनी के लोगो पर क्या लिखा हुआ है? देखिए आप में से 90% लोग कहेंगे ये एच है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। हम आपको बता दें इसके लोगो का क्या मतलब है। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस लोगो में दो लोगों को हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि ह्यूंडई के कस्टमर कंपनी से बहुत खुश हैं। वहीं साथ में ये सर्कल भी है जिसका मतलब ये होता है कि ह्यूंडई पूरी दुनिया के लिए बनी है। क्या आप ये बात जानते थे? नहीं जानते होंगे। चलिए बात करते हैं अमेज़न के बारे में। वही आजकल के जमाने में कोई किसी को जाने या ना जाने, लेकिन अमेज़न को सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। आप भी बहुत ऑर्डर्स करते होंगे इस साइट से। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि इस कंपनी के लोगो का क्या मतलब है? आप चौंक जाएंगे जब आपको पता चलेगा इसको कैसे डिजाइन किया गया है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ साल पहले तक अमेज़न के लोगो के नीचे एक सिंपल सी लाइन बनी रहती थी, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। आप देखिए एक एरो बना हुआ है जो कि ए टू जेड तक मार्क किया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसका मतलब होता है कि अब अमेज़न पर दुनिया का हर सामान मिलता है, यही वजह है कि इसके लोगो पर ए टू जेड मार्क किया गया है। इंटरेस्टिंग लॉजिक इस बड़ी कंपनी के लोगो में। नंबर 3, एप्पल। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी के बारे में। क्या आप जानते हैं एप्पल के लोगो डिजाइनर का नाम क्या है? और आखिर क्या वजह है कि एप्पल के लोगो में यार मतलब खाया हुआ सेब दिखाया गया है? दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, एप्पल के लोगो डिजाइनर का नाम था रॉब चेनॉफ, जिन्होंने कोड़ियों के भाव में इस कंपनी का लोगो डिजाइन किया था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा कि एप्पल के लोगो में कटा हुआ सेब क्यों दिखाया है? दोस्तों इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं, जिसने इस लोगो को बनाया था यानी कि रॉब ने, उसका ऐसा मानना था अगर वो पूरा एप्पल दिखा देते हैं तो हो सकता है लोग उसको कुछ और ही समझ लें। उनके कहने का मतलब था कि ऐसा हो सकता है कि लोग पूरे सेब वाले लोगो को टमाटर समझ लें। जी हाँ, यही लॉजिक था इसके पीछे कि इसको कटा हुआ सेब दिखाया क्या। वैसे ये बात भी सच है, आज ये कंपनी हिट है तभी तो हम इसके लोगो की बात कर रहे हैं, नहीं तो भाई कौन ध्यान देता। फरारी। दोस्तों क्या आप जानते हैं फरारी कार के लोगो में घोड़े को सिर्फ दो टांगों पर खड़ा हुआ क्यों दिखाया है? आप में से 90% से भी ज्यादा लोग ये बात कहेंगे क्योंकि फरारी कार जो है वो स्पीड के लिए जानी जाती है, ऐसे में घोड़े का लोगो भी रफ्तार को दिखाता है। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जी हाँ, घोड़े का फरारी कार के लोगो में रफ्तार से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की रियल कहानी। 200 लोगों का घोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लेजेंडरी फाइटर पायलट फ्रांसिस्को बैरागा के हवाई जहाज पर बना होता था। फरारी के ओनर को एक बार फ्रांसिस्को की माँ से मिलने का मौका मिला और उन्होंने फरारी के ओनर को ये घोड़े का साइन गिफ्ट के तौर पर दिया और कहा था कि ये आप अपनी कंपनी के लोगो में यूज करना क्योंकि ये गुड लक लेकर आता है। ये कहानी है फरारी के उस घोड़े वाले लोगो की। वैसे वाकई में यार गुड लक चार्म है इस लोगो में। आप देखिए फरारी कितनी हिट हुई। विकिपीडिया। दोस्तों जब भी आप किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सीधे विकिपीडिया से संपर्क साधते हैं। कहने का मतलब ये है आपको हर इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से मिलती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इस लोगो के पीछे क्या कहानी है? आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके लोगो में धरती को दिखाया गया है, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया की चीज। साथ ही आपने देखा होगा बहुत सारी लैंग्वेज में इनके लोगो पर कुछ लिखा हुआ है जो दिखाता है हम पूरी दुनिया के लिए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस लोगो में ये है कि सभी लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स को मिलाकर जो वर्ड बनता है वो है विकिपीडिया। साथ ही दोस्तों आपने ये भी नोट किया होगा विकिपीडिया के लोगो में पूरी धरती नहीं दिखाई गई है। आप जानते हैं इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका मतलब ये है कि ज्ञान कभी भी पूरा नहीं हो सकता और हमेशा अपडेट करने के लिए इसे जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि विकिपीडिया के लोगो में धरती को पूरा नहीं दिखाया गया है। वाकई में कमाल का कॉन्सेप्ट है। टोयोटा। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक टोयोटा के लोगो के पीछे क्या कहानी है? अगर आप नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों टोयोटा कंपनी का लोगो कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कंपनी के नाम का हर अक्षर दिखे
इसके अलावा कंपनी का लोगो सुई धागे को भी दर्शाता है और सर्कल के अंदर दी गई इमेज ऐसी है जैसे धागा सुई के अंदर जा रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी की शुरुआत एक टेक्सटाइल बिजनेस की तरह हुई। जब आप इस कंपनी का नाम और जब आप इस कंपनी के लोगो को देखते हैं तो आपको पता चलता है कैसे लोगो में TOYOTA का यूज किया गया है। सुपर क्रिएटिव नाइकी। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नाइकी कंपनी के लोगो को डिजाइन किया गया है। आपको बता दूं ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं इस कंपनी का लोगो भी शायद आप कह सकते हैं सबसे सस्ते में बनके तैयार हुआ है। जी हाँ, मात्र $35 में नाइकी का लोगो डिजाइन कर दिया गया था। दोस्तों बात यह है कि कंपनी के ओनर ने कॉलेज स्टूडेंट से लोगो बनवाने के लिए कहा, उन्होंने इसका लोगो सिर्फ $35 की रकम में पूरा कर दिया। कहते हैं जब पहली बार कंपनी के ओनर ने लोगो देखा तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, लेकिन बाद में जब कंपनी ग्रो करने लगी तो सब कुछ अच्छा लगने लगा। हजारों करोड़ों की कंपनी और लोगो बना सिर्फ $35 में, क्या बात है यार। लैकोस्ट। वेल दोस्तों क्या आप जानते हैं लैकोस्ट कंपनी के लोगो में किस जानवर की फोटो का यूज किया गया है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्रोकोडाइल। क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों क्रोकोडाइल की कहानी यह है कि इस कंपनी के फाउंडर इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं। इनका नाम है रेनी लैकोस्ट। लेकिन दोस्तों लैकोस्ट के लोगो में क्रोकोडाइल कैसे आया, इसकी शुरुआत देखिए तब हुई जब रेनी लैकोस्ट अपने फ्रेंड के साथ एक टेनिस मैच खेल रहे थे। उनके दोस्तों ने कहा कि अगर मैं आपको हरा देता हूं तो आप मुझे क्रोकोडाइल जैसे दिखने वाला बैग गिफ्ट कर देना। रेनी लैकोस्ट ने भी इस शर्त को मान लिया, लेकिन अंत में हुआ ये कि उनके फ्रेंड को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन न जाने कैसे एक जर्नलिस्ट को क्रोकोडाइल वाले बैग की कहानी की भनक लग गई। बस फिर क्या होना था, उस जर्नलिस्ट ने अगले ही दिन अखबार में छाप दिया कि रेनी लैकोस्ट लॉस्ट बट फॉट लाइक अ क्रोकोडाइल। दोस्तों ये कहानी रेनी लैकोस्ट को इतनी पसंद आ गई कि बाद में उन्होंने अपनी कंपनी जब बनाई तो लोगो क्रोकोडाइल का लगवा दिया। वही इसे कहते हैं सुपर कूल आइडिया। स्टारबक्स कॉफी। दोस्तों क्या आप जानते हैं स्टारबक्स कॉफी के लोगो को दो बार चेंज किया गया? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी। पहले के लोगो में महिला के बाल छोटे थे तो बाद के लोगो में बड़े हो गए। एक्चुअली बात यह कि जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, लेकिन दोस्तों ये बन गया। एक्चुअली बात यह कि स्टारबक्स कॉफी की शुरुआत एक छोटे से शहर सियाटल से हुई। ये समुद्री इलाका है। कहा जाता है स्टारबक्स कॉफी के ओनर कुछ समुद्री चीजों को अपने लोगो में दिखाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मरमेड का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगी वैसे वैसे उन्हें अपने लोगो को भी बदलना पड़ा, क्योंकि पहले के लोगो में इस मरमेड की चेस्ट दिख रही थी जिसके बाद में बाल खड़े करके छुपा लिया गया। कंपनी भी बढ़ गई और बाल भी बढ़ गए। पेप्सी। वेल दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक की इस कंपनी के बारे में किसको नहीं पता, हर कोई इसके बारे में जानता है, बहुत लोग इसे पीते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका लोगो जो था वो कैसे बना, इसकी कहानी क्या है? दोस्तों एक बात तो आप समझ लीजिए कि पेप्सी के लोगो को बनाने में $1 मिलियन का खर्चा आया था। जी हाँ, लेकिन जब बना तो समझ में नहीं आया कि ये बना क्या है, क्योंकि एजेंसी का कहना है कि भाई पेप्सी के लोगो में रिलेटिविटी, फेंगशुई, जियोडायनेमिक्स और ना जाने क्या क्या दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पेप्सी के लोगो में इनकी क्या जरूरत है ना? मतलब यार ये सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई एटम बम का लोगो थोड़ी ना बन रहा था। खैर यार क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं होता है। एडिडास। वेल दोस्तों ये भी शू की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। कहते हैं इनके लोगो के पीछे भी बहुत ही सॉलिड मैसेज दिया गया है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जान पाए हैं। दोस्तों एडिडास कंपनी का लोगो हमेशा ही बदलता रहा है, लेकिन इसके लोगो में हमेशा ही एक बात रही और वो है 3 स्ट्राइप्स यानी 3 लकीरें। लोगो कुछ ऐसा बना हुआ है कि जैसे 3 लकीरें मिलकर एक ट्रायंगल बना रही हैं। यह आकृति पहाड़ की है जिसमें लोगों को ये दिखे कि खिलाड़ियों को कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। जी हाँ, जितनी मेहनत पहाड़ पर चढ़ने में लगती है उतनी ही मेहनत किसी खिलाड़ी को अपने आप को साबित करने में लगती है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। दोस्तों इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, ये है बड़े प्रोडक्शन हाउस हॉलीवुड में। लेकिन क्या आप जानते हैं इनके लोगो में जो दहाड़ते हुए शेर को दिखाया जाता है उसके पीछे बहुत ही फेक स्टोरी बनी थी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में इस बात को फैलाया गया कि इस लोगो को क्रिएट करते समय शेर को परेशान किया गया। देखिए किसी भी जानवर को एड के लिए परेशान करना बहुत ही बड़ा विवाद है। मैं आपको यहाँ ये चीज क्लियर कर दूँ कि मेट्रो गोल्डविन मेयर के लोगो डिजाइन के समय किसी भी जानवर को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया गया। ये सारी की सारी कहानी बिल्कुल फेक साबित हुई। बाद में पता चला कि ये शेर ट्रेंड थे और खुद ही इसने एक्ट किया था। BMW। दोस्तों क्या आप जानते हैं सुपर रिच कार कंपनी के लोगों के पीछे क्या कहानी है? आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। देखिए कई सारे लोगों ने कई तरह की बात की, लेकिन कंपनी ने इस बात को क्लियर किया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि BMW के बीच का हिस्सा असल में किसी रोटेटिंग फैन यानी कि घूमते हुए पंखे को दर्शाता है। दरअसल ये एरोप्लेन को दर्शाता है, क्योंकि BMW का इतिहास एक एविएशन कंपनी की तरह था। असल में यह जर्मनी के बवेरिया का झंडा है, यही वो जगह है जहाँ से BMW की शुरुआत हुई थी। मर्सिडीज बैंस। दोस्तों डेमलर मोटर एंड जेसल शाफ्ट ने
अपने जर्मन ऑटोमोबाइल के लिए 1909 में स्टार लोगों की एक जोड़ी को ट्रेडमार्क किया था, जिनमें से एक में तीन डंडे और दूसरे में चार थे, लेकिन चार डंडे वाला स्टार का कभी उपयोग नहीं किया गया। मशहूर तीन डंडे वाला स्टार एक प्रतीक से प्रेरित था और 1926 में कंपनी के विलय के बाद मर्सिडीज बेंज की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता था। कंपनी को आशा थी कि अपना वर्चस्व तीन जगहों समुद्र, हवा और जमीन में स्थापित करेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। इनमें से कौन सा लोगो आपका फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर तो प्लीज जल्दी से पेज को फॉलो करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरे जान।